नमस्कार। आप जिस कोरोना संक्रमण की थर्ड स्टेज की बात कर रहे थे, व्हाट्सएप में देख रहे थे कि थर्ड स्टेज आने वाला है, समझिए यूपी से उसकी शुरुआत हो गई है। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर बेबी डॉल में सोने दी, ये गाना आपने सुना होगा सनी लियोनी का, इन्होंने गाया था। कनिका कपूर की कहानी आपने सुन ली होगी, लेकिन ये कितना भयावह है ये मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कैसे। आप देखिए, ये क्रोनोलॉजी जोड़ते जाइए। कनिका कपूर आती हैं, लंदन से आती हैं और लखनऊ के हवाई अड्डे पर वो एक वॉशरूम में घुस जाती हैं। एक मीडिया पर्सन ने बताया कि वो किसी भी तरह से अपनी स्क्रीनिंग बचा लेती हैं वॉशरूम में छुप के। उसके बाद दो पार्टियां, बताया जा रहा है कि तीन पार्टियां की, दो पार्टियां बड़ी बड़ी जिनमें एक अकबर अहमद डंपी पूर्व सांसद हैं, बड़े नेता थे अकबर अहमद डंपी के यहाँ पार्टी में। सोचिए किस पार्टी का नेता नहीं शामिल था, तमाम मीडिया पर्सन भी उसमें शामिल थे। दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे के बेटे, वो खुद सांसद हैं, वसुंधरा राजे उसमें शामिल थी, जितेंद्र सिंह उसमें शामिल थे, कई सारे मंत्री जिनमें हेल्थ मिनिस्टर और MOS तमाम सारे योगी सरकार के कई मंत्री शामिल थे, वो उसमें जाते हैं पार्टी में। उसके बाद वो होटल ताज में एक पार्टी में करती हैं और एक 5-स्टार होटल में रुकती भी हैं। अब आप सोचिए कि होटल में रुक रही हैं, उनके संपर्क में कितने लोग आए होंगे, एयरपोर्ट पर कितने लोग आए होंगे जहाँ से वो बच गई, फिर उनकी रिपोर्ट आती है कोरोना पॉजिटिव की। अब दिक्कत ये है कि जैसे ये रिपोर्ट आई है, आप सोचिए क्या हो रहा है कि जो उस पार्टी में गए थे दुष्यंत सिंह, अब वो लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। दुष्यंत सिंह वहाँ से पार्लियामेंट जाते हैं अगले दिन, पार्लियामेंट के अगले दिन वो राष्ट्रपति भवन जाते हैं। पार्लियामेंट में जिस सांसद के पास बैठे थे TMC के ओब्रायन, अब उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रख दिया 14 दिन के लिए। हालांकि दुष्यंत सिंह ने भी रख लिया है, उनकी माँ वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट करके कहा है कि मैं कनिका कपूर की पार्टी में गई थी और मुझे नहीं मालूम था कि ये सब होने वाला है, और वो भी अब आइसोलेशन में चली गई हैं। ओब्रायन चले गए और उसके बाद बॉम्बे में जो उनका घर था वहाँ भले ही वो 11 दिन से नहीं आई हैं, लेकिन मोहित भारती उसी बिल्डिंग में रहते हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं कि हमने पूरी जो बिल्डिंग है उसको सैनिटाइज कराया है। उसके बाद आप सोचिए कि आगे क्या हुआ। जितने भी लोग थे, मंत्री थे, सारे आइसोलेशन में चले गए, सारे के सारे लोग लिख रहे हैं कि वो आइसोलेशन में चले गए। अभी तक ये जाँच नहीं हो पा रही है कि और कितने लोगों के संपर्क में वो आई। पार्लियामेंट की बात कही जा रही है, लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन में, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में पहुंचे थे अगले दिन, वहां पर राष्ट्रपति भवन में उनके साथ तमाम सारे यूपी और बिहार के सांसद थे, खुद राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की। अब लोग मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट, हजारों लोग वहाँ आता जाता है सांसदों के अलावा, उनका स्टाफ और तमाम जो स्टाफ वहाँ काम करता है वो सब अपने अपने घर गए होंगे। कैसे कैसे कोरोना किस किस को लगा होगा इसकी जाँच चल रही है, और वो तमाम मंत्री, तमाम लोग, तमाम अधिकारी जो जो इसमें शामिल थे, तमाम सारे मीम्स बनने शुरू हो गए हैं कनिका कपूर को लेके। उनका वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनको ले जाया गया था। आप सोचिए कि कितनी बड़ी मुसीबत इस सिंगर ने खड़ी कर दी है। अगर ये लखनऊ एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग करा लेती तो शायद ये मुश्किल नहीं आती। बॉम्बे, दिल्ली और यूपी के कई शहरों से बड़े बड़े लोग आए थे उनके टच में, तमाम छोटे मोटे लोग भी आते हैं, और ऐसे में आप ये सोच के चलिए एक कनिका कपूर की वजह से हजारों और हजारों की वजह से लाखों लोगों में कोरोना का संक्रमण हो सकता है। और तो ये मान के चल रही है सरकार के, अगर थर्ड स्टेज इसी की शुरुआत मानी जाती है तो कनिका कपूर को इसका जिम्मेदार माना जाए, उस पर आपराधिक मुकदमा लगाया जाए, ये कहा जा रहा है। इस बारे में और कोई अपडेट होगी तो आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर और इंडिया न्यूज़। जय हिंद, थैंक यू, नमस्कार।